दोस्तों, जीवो मंगलम एक ऐसा नाम जो पिछले 19 साल से ऐसे पक्षियों की सेवा में लगा हुआ है जो किसी भी कारण से घायल हो जाते हैं। जीवो मंगलम एक ऐसा नाम, जब पक्षी बीमार होते हैं तो लोग इन्हें यहाँ पर लेकर आते हैं और डॉक्टर्स इनकी सेवा करते हैं। जीवो मंगलम एक ऐसा नाम जो पिछले 19 वर्षों से ऐसे पक्षियों की सेवा में कार्यरत है जो अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है, अपने आप में एक बड़ी पहल है, बड़ी शुरुआत है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे पक्षी हैं, कबूतर हैं, यहाँ पर तोते भी हैं, चिड़िया भी हैं, हर तरह के यहाँ पर पक्षी हैं। और इनका कारण यहाँ पर इसलिए बताया जा रहा है कि जो भी पक्षी बीमार होते हैं, जो भी पक्षी किसी कारण से घायल हो जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि कल बसंत पंचमी थी तो सैकड़ों की संख्या में पक्षी घायल हुए थे, और करनाल में काम कर रही ये संस्था उन पक्षियों की सेवा में पिछले लंबे समय से कार्यरत है। आप देख सकते हैं कि इनके लिए आने जाने का, वो देखिए सामने रास्ता भी बना है। यदि आप यहाँ पर पक्षियों को लेकर आते हैं तो उसके बाद वो पक्षी आपको नहीं दिया जाएगा, और ये पक्षी अपने आप यहाँ से खाना पीना जो भी इनका रखा गया है इनके लिए, वो यहाँ से लेकर जा सकते हैं। यानी इनको आज़ादी मिले इसके लिए यहाँ पर काम किया जाता है। मैं चाहूँगा कि जो यहाँ पर साध्वी हैं, साध्वी अर्चिता जी, उनके साथ बात करें और उनसे जानें कि किस तरह से उन्होंने ये शुरुआत की, कैसे यहाँ पर जो पशु हैं वो लाए जाते हैं, कैसे वो उनका इलाज करते हैं, कैसे पिछले 19 सालों से ये जगह मीडिया के कैमरों से अछूती रही, क्योंकि मैं खुद आज यहाँ पहली बार आया हूँ। साधी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईबीएन 24 पर। बहुत सेवा का काम कर रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे? जीवो मंगलम संस्थान जो कि पिछले 19 वर्षों से पक्षियों की सेवा करता आ रहा है, तो पूज्या महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, आपकी प्रेरणा से ये जीवो मंगलम पक्षियों की सेवा कर रहा है। तो हम प्रतिवर्ष महसूस करते हैं कि हमारा जब भी कोई पर्व आता है, त्यौहार आता है, तब इन पक्षियों को बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है। दीपावली आता है, होली है, बसंत पंचमी अभी हमारे बीच में, तब सबसे ज़्यादा हमने महसूस किया कि बसंत पंचमी पर पक्षियों को या तो अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है या अपनी उड़ान को खोना पड़ता है। तो ऐसे सैकड़ों पक्षी बसंत पंचमी के आसपास, उससे पहले और उसके बाद में तो बहुत अधिक मात्रा में आया करते हैं, तब यहाँ पर डॉक्टर के माध्यम से उनका इलाज किया जाता है। तो आपसे एक गुजारिश अवश्य करना चाहेंगे कि आप इन पक्षियों की जिंदगी के सहयोगी बने, उनकी जिंदगी लेने वाले ना बने, खुशियां मनाएं, दूसरों को खुशियां बांटकर। साध्वी जी, आज़ादी सभी को प्यारी है, इस देश ने आज़ादी के लिए बहुत कुछ खोया। ऐसे में हम जब पक्षियों को बंधक बना लेते हैं और जब वो पक्षी बीमार हो जाते हैं तो यहाँ तक लोग लेकर आते हैं, कैसा महसूस होता है आपको? क्या आप उन्हें समझाते नहीं है कि इनकी आज़ादी के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? यहाँ पर हमारे भारतवर्ष में हमने महसूस किया कि छोटे लव बर्ड्स, आपने भी बाज़ार देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े बाज़ार लगते हैं पक्षियों के, तो वहाँ से हज़ारों रुपए का एक एक पेयर आप खरीद कर लाते हैं मात्र अपने छोटे बच्चों के लिए। आप बोलते हैं कि बच्चे नहीं मानते, तो हम पूरा प्रयास करते हैं उन्हें समझाने का कि आप इन्हें लाते हैं, बंद करते हैं, इनके माँ बाप से दूर कर देते हैं। तो हम उन्हें यहाँ तक समझाते हैं कि जैसे आपका छोटा बच्चा है, यदि आपसे उसे दूर किया जाए आपको बहुत दर्द होगा, ऐसे ही इनके माँ बाप को भी दर्द होता है और ये आज़ाद रहना चाहते हैं। हमें यदि हमारे घर में भी थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाए, हम तड़फेंगे, छटपटाएंगे बाहर जाने के लिए। इसी प्रकार ये पक्षी भी आज़ादी चाहते हैं, इनकी आज़ादी को छीनने का हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। साध्वी जी, जीवो मंगलम जो संस्था है, ट्रस्ट है, पिछले लंबे समय से पक्षियों की सेवा में काम कर रही है, क्या बताना चाहेंगे इस ट्रस्ट के बारे में? कितना समय हो गया आपको यहाँ पर करते हुए? कितने, मेरे ख्याल से तो हज़ारों पक्षियों को आज तक आप जीवन दान दे चुके होंगे, क्या बताना चाहेंगे? जीवो मंगलम संस्थान जो कि 19 वर्ष से, पिछले 19 सालों से ये पक्षियों की सेवा करता रहा है, तो काउंटिंग तो नहीं की जा सकती इतने लंबे समय में, लेकिन हमारा अनुमान है कि हजारों पक्षी यहाँ से उड़ान लेकर जा चुके हैं। तो किस किस प्रकार के जो पक्षी हैं यहाँ पर आते हैं, जैसा हम देख रहे हैं कबूतर भी हैं और भी तरह के, किस किस प्रकार के पक्षी यहाँ पर आते हैं? यहाँ पर लगभग हर प्रकार के पक्षी आते हैं, लेकिन हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कबूतरों की तादाद है, तो कबूतर सबसे अधिक संख्या में आते हैं। वैसे यहाँ पर उल्लू, बाज, गिद्ध, अनेक प्रकार के पक्षी अभी हमारे पास में तोते हैं, लव बर्ड्स हैं, बगुला है, छोटी चिड़ियाएँ हैं और कबूतर हैं।
साध्वी जी, आखिरी सवाल है मेरा कि जो लोग अभी आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अपने आप में ये एक बड़ी, मैं मुझे लगता है कि ये पहल है। क्या कुछ युवाओं को भी आप प्रेरित करना चाहेंगे इसमें आने के लिए, कि पक्षियों की सेवा के लिए आगे आए और पक्षियों को बंधक ना बनाया जाए, क्या संदेश देंगे? हम आपको एक संदेश अवश्य देना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आए, महसूस करें उन पक्षियों के दर्द को, देखें, क्योंकि जब तक उनके बीच में आएंगे नहीं, आप महसूस कर नहीं पाएंगे। तो आपका जन्मदिन है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, आपके बड़ों के नाम का कोई दिन है, तो आप अपने बच्चों को यहाँ पर लाएं, उन बच्चों को दिखाएं कि उनको किस प्रकार के दर्द से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं तब तक हम उसे महसूस कर नहीं पाएंगे। तो आप आइए, अवश्य एक बार जीवो मंगलम में आइएगा। आपको कहीं भी कोई घायल पक्षी मिलता है, बीमार पक्षी मिलता है, तो आप उसे जीवो मंगलम में पहुंचाइएगा, ऐसा निवेदन है। डोनेशन भी कुछ लिया जाता है, या जो पक्षियों को ठीक किया जाता है कुछ चार्ज लिया जाता है, और जो कोई डोनेट करना चाहे वो भी कुछ है? पक्षियों के इलाज के लिए कोई भी चार्ज नहीं रखा हुआ है, बिल्कुल निशुल्क पक्षियों का इलाज किया जाता है, लेकिन ये ट्रस्ट चलता दान से ही है, तो बहुत सारे दानवीर हैं जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो उनसे जो दान वगैरह की राशि आती है या कोई खाने पीने का सामान हो वो भी लिया जाता है? हाँ जी, दान किसी भी रूप में हो, धन्यवाद साध्वी जी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे साध्वी अर्चिता जी ने बताया कि पिछले 19 सालों से, बड़ी यानी कि इतने लंबे समय से वो यहाँ पर इनकी सेवा कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि ये देखिए छोटे छोटे ये तोते हैं, किस तरह से इनको यहाँ पर रखा गया और इन्हें बंधक नहीं बनाया गया। जब भी ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जो क्योंकि ये घायल थे, कल जैसे बसंत पंचमी थी, बसंत पंचमी में ये सब आप देख सकते हैं कि जो कबूतर हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं, और ये सभी घायल अवस्था में यहाँ पर आए थे, काफ़ी सारे यहाँ से उड़ चुके हैं, और वो देखिए वो कबूतर सबसे ज़्यादा यहाँ पर घायल है। उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब वो पतंग उड़ाते हैं, जिस डोर से वो पतंगे काटते हैं उनसे कई पशु पक्षी भी कट जाते हैं, और उसी के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ये कबूतर यहाँ पर आए हैं, हालांकि काफ़ी ज़्यादा ठीक होकर जा चुके हैं। और ये तोते आप देख सकते हैं, अगर बीमार होते हैं तो इनको यहाँ पर लाया जाता है। इसके बाद ये रूम है जहाँ पर पक्षियों का सामान रखा जाता है, और ये वो कमरा है जहाँ पर ये देखिए कितने अच्छे प्यारे सुनहरे तोते भी हैं यहाँ पर, और इनको जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद इन्हें यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। हालांकि जगह बिल्कुल खुली है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, और पशु पक्षियों को अब ये जीवो मंगलम अपना घर लगता है, क्योंकि कोई भी पशु पक्षी अपनी मर्जी से भी अगर चाहे तो आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाने का प्रयास करें कि ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में साध्वी जी अब इनको डालेंगी, एक मोह एक प्यार हो जाता है, और देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ये जो तोते हैं, ये जो कबूतर हैं, और सुनहरे सुनहरे अलग अलग रंगों के हैं, ये यहाँ पर रोज़ाना अपने परिवार की तरह यहाँ पर रहते हैं, आते हैं। आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को, इस खबर को शेयर ज़रूर करें, और कहीं ना कहीं ये एक जो शुरुआत है उसका हिस्सा बने। और यहाँ पर हमारे साथ आप देख सकते हैं कि जीवो मंगलम की तरफ से जो डॉक्टर रूम बनाया गया है, यहाँ पर अच्छे तरीके से दवाइयाँ रखी गई हैं, अच्छे तरीके से यहाँ पर डॉक्टर्स को देखा जाता है, और ये वो टेबल है जहाँ पर पशुओं को जो घायल अवस्था में आ जाते हैं उनको, माफ़ कीजिएगा, पक्षियों को जो घायल अवस्था में आते हैं उन्हें यहाँ पर इलाज के लिए लाया जाता है, और उनका ट्रीटमेंट करने के बाद, उन्हें मेडिसिन देने के बाद, फर्स्ट एड देने के बाद उसी जगह पर रख दिया जाता है जहाँ पर अभी हम आपको लेकर गए थे। ये सीधी जो कवरेज है आप देख रहे हैं आई बी एन 24 पर, एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो अपने आप में आपको एक नई ऊर्जा देता है कि आप कुछ अच्छा, आप कुछ बेहतर, आप कुछ बढ़िया कर सके। और अगर आप भी जीवो मंगलम से जुड़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये इनका एड्रेस है, 145 सेक्टर 6 करनाल। अगर आप जुड़ना चाहें तो आप इस संस्था के साथ जुड़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो इन पक्षियों की जो सेवा है वो भी आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इनके खाने पीने का जो सामान है वो देकर जा सकते हैं। और ये देखिए ये क्या दिक्कत है इसको, गर्दन आप देख रहे हैं कि टेढ़ी हो चुकी है, तो इसे हर रोज दाना खिलाया जाता है, तो ये ठीक हो जाएगा लगभग 6-7 महीने में ठीक हो जाता है, 6-7 महीने आपके पास रहेगा। तो ये भी एक अपनी तरह का सेवा भाव है, जब आप, आपके बच्चे का, आपके बुजुर्गों का, आपके बड़ों का
जन्मदिन होता है तो आप विभिन्न जगह पर जाते हैं, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। ये देखिए कबूतर कितना सुंदर पक्षी है, कबूतर है, और इसे किस तरह से साध्वी जी एक बच्चे की तरह इसको खिलाने की कोशिश करते हैं, जो भी इनके खाने पीने के लिए यहाँ पर सामग्री रखी हुई है। और बताया जा रहा है कि 6 से 7 महीने में जो इसका लकवा है वो ठीक हो जाएगा। और कितने प्यार से आप देख सकते हैं कि ये भी एक लगाव है, एक प्यार है, एक लाड है, बच्चे की तरह इन्हें यहाँ पर रखा जाता है। और अब हम चलेंगे जो इस बिल्डिंग के अंदर बेसमेंट है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से पिछले 19 वर्षों में यहाँ पर जिन पक्षियों का इलाज किया गया, जो गंभीर रूप से घायल पक्षी हुआ करते थे, उनका यहाँ पर जो इलाज किया गया, उसके बाद उनकी जो तस्वीरें हैं, पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, फिर चलें गगन की ओर, यानी ये इनकी आज़ादी को लेकर एक यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं जीवो मंगलम में मूक प्राणियों के उपचार में संलग्न चिकित्सक, यानी जिन डॉक्टर्स ने इन पक्षियों का इलाज किया। साध्वी जी क्या बताना चाहेंगे, जैसे काफ़ी गंभीर रूप से घायल है, कैसे इनको सभी जो चोटें हैं किस तरह से लगती है, यहाँ पे मोर भी रखा हुआ है, क्या कैसे आएगी यहाँ पे? मोर तो ज़्यादातर जो आते हैं वो जो खेतों में हम लोग दवाई का छिड़काव करते हैं, तो मोर तो अधिकतर उस दवाई को खाने से जो बीमार हो जाते हैं वो आते हैं। बाकी पक्षी तो अनेक प्रकार की बीमारी से ग्रसित होते हैं, या कई बार हम लोगों की असावधानी से ऐसा हो जाता है, पंखे में आ गए, हमारी गाड़ी से टकरा गए, या लकवा हो गया, तो इस प्रकार हर बीमारी से ग्रसित पक्षी आते हैं। साधु जी, जैसे आप इतने प्यार से रखते हैं तो ये पक्षी आपके पास लगातार आते रहते हैं, लोग भी अगर इनको प्यार से रखे, बंधन में ना रखे, तो उनके साथ भी तो रह ही सकते हैं। बिल्कुल रह सकते हैं, प्यार तो हर किसी को चाहिए होता है, चाहे हम इंसान हैं चाहे वो जानवर हैं, प्यार का हर कोई भूखा होता है, आप प्यार दिए प्यार बटेगा। तो साध्वी जी ने अच्छी बात की कि प्यार देंगे तो प्यार बंटेगा भी। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितने, ये घायल मोर था जो किसी कारण से यहाँ पर लाया गया होगा, ये देखिए इन पक्षियों का डॉक्टर्स यहाँ पर इलाज कर रहे हैं। और ये भी देख सकते हैं कि हर तरह की जो ट्रीटमेंट है इनको वो यहाँ पर दिया जाता है, कितना गंभीर रूप से ये घायल कबूतर है, इसको भी यहाँ पर इलाज दिया जा रहा है। अपने आप में ये एक बड़ी पहल है, बड़ी शुरुआत है। और जो युवा इसे देख रहे हैं, ये देखिए उल्लू है, ये जिस उल्लू को आप सिर्फ टीवी में या किताबों में देखते हैं वो भी यहाँ तक लाए जाते हैं, या ये खुद भी आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि हमारा जो इलाज है वो जीवो मंगलम में हमें दिया जाएगा। 19 साल से इतना रिश्ता, इतना प्यार तो इनका भी बन ही चुका है। जी ये उल्लू है जिसका फोटो देख रहे हैं, कोई भग में बांधने वाले संत थे, उन्होंने इसको पाला हुआ था, तब उनको मालूम हुआ कि बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, तो उनको मालूम पड़ा कि यहाँ पर इलाज होता है, तो वो हिमाचल से उसे यहाँ पर लेकर आते थे हफ्ते में 2-3 बार इलाज करवाने के लिए। आप देख सकते हैं पूरे भगवा कपड़े ही पहना कर रखते थे ये सुल्लू को भी। तो आप देख सकते हैं कि यानी कि दूर दूर तक ऐसी कोई ट्रस्ट, ऐसी कोई संस्था नहीं है जो इन पक्षियों का इलाज करती हो, इसलिए हिमाचल जैसी जगह से, पंजाब से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, दूर दूर से इन्हें यहाँ पर लाया जाता है। और सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी तरह का कोई लालच नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट ही इसलिए बनाई गई है, साध्वी जी यहाँ पर सेवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब निशुल्क है। एक तरह से आप इसे ये कह सकते हैं कि जो मन की संतुष्टि है उसके कारण यहाँ पर इस तरह से पक्षियों को लाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो करनाल के कुछ समाज सेवी हैं उनकी भी तस्वीरें लगी हैं। ये साध्वी जी ये कौन है, किन की तस्वीर है? ये हमारे गुन्नी मैया जी, आप ही को प्रेरणा से ये सब चल रहा है, तो साध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब आपकी प्रेरणा से ये चलता है। तो ये गिलहरी के बच्चे आए थे जो कि अक्सर आते हैं, तब गुन्नी मैया इनको कॉटन से दूध पिला पिला कर बड़ा किया, खेलना इनके साथ, फिर इनको आजाद कर दिया। फिर इनको आजाद कर दिया। देखिए गिलहरियां साध्वी जी के हाथ में है, और इस तरह से अपने आप में ये एक युवाओं को भी मैं कहूँगा कि प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि हम किन किन कामों की तरफ चल रहे हैं। अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो कुछ अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ का पूरा प्रांगण है जहाँ पर इन पक्षियों को रखा जाता है, और ये कुछ करनाल के प्रबुद्ध समाजसेवी भी हैं जो यहाँ पर आए दिन आते रहते हैं। आप देख सकते हैं सभी की यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई हैं। आप सभी से अपील है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि ये एक सकारात्मक, पॉजिटिव वेव देने वाली खबर है। और बच्चों के हाथ में जिस तरह से आप देख सकते हैं, जो पूर्व डीसी थी नीलम प्रदीप कासनी, उनकी भी तस्वीर यहां पर आप देख सकते हैं। यानी कि साध्वी जी, अंत में मैं फिर से चाहूंगा कि युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आजकल युवा भटका हुआ है, ये एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वेव लेके आता है, क्या संदेश देंगे?
हम युवाओं को विशेष रूप से एक संदेश जरूर देना चाहेंगे कि यदि हम पर्यावरण से जुड़ेंगे तो हम अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली से भी जुड़ेंगे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं युवा लोग अपने बच्चों से नहीं जुड़ पा रहे हैं, अपने माता पिता से नहीं जुड़ पा रहे हैं, अपने देश से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो हमारी भावनाओं में कहीं कुछ कमी आ गई है। तो उस कमी को दूर करने में ये पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यदि हम पशु पक्षियों से जुड़ गए तो माँ बाप से, परिवार से, बच्चों से जरूर जुड़ेंगे। तो अपने देश से जुड़िए, पर्यावरण से जुड़िए। धन्यवाद। तो आप जो भी इस खबर को देख रहे हैं, आप सभी से अपील है कि इस खबर को शेयर जरूर करें। अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वेव वाली ये जो खबर आप देख रहे हैं, अपने आप में अनूठी भी है, बड़ी शुरुआत है, नई शुरुआत है। और पिछले 19 साल से जिस तरह से जीवो मंगलम इन पक्षियों की सेवा में कार्यरत है, वो अपने आप में चौंकाने वाले तथ्य के साथ साथ हैरान करने वाला तो नहीं है, क्योंकि इस तरह की और भी ट्रस्ट होंगे, लेकिन करनाल में जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पक्षियों की सेवा की जाती है, वो अपने आप में एक अनूठी पहल। आप देख रहे हैं आईबीएन 24, मैं हूं आकर्षण उपल अपने सहयोगी लक्ष्य वर्मा के साथ करनाल के सेक्टर 6 से आप सभी के साथ लाइव। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।